नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के चैनल मिस्टर अजमेर टेक्निकल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा के आने वाले ऑल न्यू टाटा स्टार बस अल्ट्रा के बारे में, जो कि है दोस्तों 51 सीटर और ये एक स्टाफ बस है, पैसेंजर व्हीकल है और एसी और लग्जरी से आपको पूरी इसमें मिलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों अगर चैनल पर अगर पहली बार आप यहाँ पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास लगी बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल से आपको हर नई नई गाड़ी की अपडेट कुछ इस तरीके से हमेशा मिलते रहें दोस्तों। और दोस्तों बात कर लेते हैं साथ साथ इसके की के बारे में, तो आपको इस तरह की बहुत सारी यहाँ पर की मिलने वाली इसमें, डीजल टैंक की और एडब्यू टैंक की भी की मिलने वाली है। प्राइजिंग यहाँ पर बात की जाए तो 30 से 32 लाख रुपए के आसपास इसकी एक शोरूम प्राइस यहाँ पर शायद रहने वाली है दोस्तों। और बात कर लेते हैं इसके फ्रंट से, तो कुछ इस तरह की नज़र आती है इसकी फ्रंट विंडो स्क्रीन, और इसको क्लीन करने के लिए आपको यहाँ पर डबल वाइपर्स भी देखने को मिलेंगे और इन्हीं पे देखने को मिलेंगे इसके डबल वॉशर जेड आपको यहाँ पर, और कुछ इस तरीके मिलते हैं इसके बिग साइज के आउटसाइड मिरर, जिससे कि ड्राइवर अपने पीछे से आसानी से पूरी कवर यहाँ पर कर सकें। एक इमरजेंसी मिरर भी आपको सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ कंपनी आपको दो ऊपर पार्किंग लैंप्स भी देने वाले नाइट मोड के लिए। सामने मार्को पोलो की बेजिंग आप यहाँ पर देख पाएंगे और बिग साइज का टाटा का लोगो भी सामने आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों। और ग्रिल में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि काफ़ी सारा स्पेस मिलता है, जिससे कि रेडिएटर को यहाँ पर ताज़ी हवा सामने से बहुत अच्छी यहाँ पर मिल सके दोस्तों। और एक छोटा सा टैंक हुक का कनेक्शन भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिससे इमरजेंसी अपनी गाड़ियाँ पर खींच सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके हेडलाइट सेटअप से, तो आपको यहाँ पर हाई बीम और लो बीम हेलोजन बल्ब आपको यहाँ पर मिलेगा। और इंडिकेटर की यहाँ पर बात की जाए तो LED इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा और नीचे आपको डे नाइट DRL भी देखने को मिलेगी, बिल्कुल एक लग्जरी कार के जैसे। कंपनी आपके यहाँ पर फोग लेंस भी ऑफर कर रही है, वो भी हेलोजन बल्ब के साथ ही। और दोस्तों इसके साथ हम बात कर लेते हैं इसके हम फ्रंट सस्पेंशन की, तो यहाँ पर आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है फ्रंट में, और कुछ इस तरह का नज़र आता है इसका साइड प्रोफाइल यहाँ पर। और बात कर लेते हैं टायर की, तो 235/75 17.5 इंच का आपको टायर मिलते हैं। ब्रेक की बात की जाए तो एयर ब्रेक आपको आगे पीछे देखने को मिलेंगे और ड्राइवर यहाँ से आसानी से अंदर एंट्री ले सकते हैं। और कुछ इस तरह का मिलते हैं इसका आउटसाइड मिरर ड्राइवर साइड का, ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स, और यहाँ पर आपको टाटा स्टार बस की ग्राफिक्स देखने में मिलेगी, ब्लू और ब्लैक में भी पूरी देख सकते हैं कि एक स्टिकरिंग आपको यहाँ पर मिलता है। नीचे पार्किंग लैंप्स मिलती है, वो भी LED आपको यहाँ पर। और दोस्तों पूरी जो गाड़ी है आप देख सकते हैं कि पूरा पैक ग्लास आपको यहाँ पर मिलता है, क्योंकि एक लग्जरी AC बस है ये दोस्तों, स्टार बस। एक इमरजेंसी एग्जिट मिलता है, जिससे कि आपातकालीन स्थिति में आप ब्रेक करके बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर इसका डीजल टैंक मिलता है, फ्यूल फिल करवा सकते हैं इसका आप यहाँ पे, तो 120 लीटर की कैपेसिटी में इसका डीजल टैंक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पीछे की बात की जाए तो पीछे भी आपको यहाँ पर एयर ब्रेक सिस्टम मिलता है, पीछे आपको डबल टायर मिलता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको अल्ट्रा की ग्राफिक्स देखने मिलेंगी, ब्लू कलर के ग्राफिक्स। और एक इमरजेंसी एग्जिट पीछे भी आपको यहाँ पर मिलता है, जिसमें इमरजेंसी में आप यहाँ पर इसे ब्रेक करके बाहर निकल सकते हैं, सिर्फ इमरजेंसी में ही। दोस्तों गाड़ी की लंबाई की बात की जाए तो 10,120 mm इसकी लंबाई यहाँ पर मिलती है। और कुछ इस तरह का नज़र आता है इसका रेयर प्रोफाइल्स। टेलीमिनट की बात की जाए तो ऊपर आपको इंडिकेटर, स्टॉप लैम्प और रिवर्स लैम्प मिलती हैं, वो भी LED ही। इसके साथ आपको यहाँ पर 5 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी देखने को मिलेंगे, रिफ्लेक्टर्स, पीछे फॉग लैंप्स के लिए जगह दी गई हैं, टाटा की बेजिंग, मार्को पोलो की बेजिंग और हाई माउंटेन स्टॉप लैम्प भी आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही हैं। पीछे भी इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पर आपको मिलता है और ऊपर आपको यहाँ पर पार्किंग लैंप्स देखने में मिलेगी, नंबर प्लेट के लिए जगह, और यहाँ पर मिलते हैं इसका स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर। रियर सस्पेंशन की बात की जाए तो आपको यहाँ पर पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है हर रियर में आपको यहाँ पर। और एक बार नज़र डाल लेते हैं नीचे से, उस तरह नज़र आती है इसकी पॉपुलर शाफ्ट, और ये इसका एक जो स्टेल पाइप, 10,120 mm इसकी लंबाई मिलती है, 2,550 इसकी चौड़ाई मिलती है और 3,000 mm इसकी ऊँचाई मिलती है, 5,200 mm का इसका व्हील बेस मिलता है। और माइलेज की बात की जाए तो 5 से 6 किलोमीटर कंपनी आपको माइलेज का दावा यहाँ पर करती है दोस्तों। 51 सीटर आप यहाँ पर सामने देख पाएंगे। ग्रॉस वेट की बात की जाए तो 10,200 kg इसका ग्रॉस वेट है, 90 एम्पेयर का इसमें ऑल्टरनेटर आपको देखने को मिलेगा।
और 330 mm का इसका डाया क्लच मिलता है। 25 लीटर का इसमें इसका एड ब्लू जिसे कि हम यूरिया बोल सकते हैं वो मिलने वाला है। ओपन करते हैं इसका ड्राइवर साइड का दरवाज़ा। कुछ इस तरह की ट्रिम्स आप यहाँ पर देख पाएंगे। बोटल होल्डर स्पेस मिलता है, इनर हैंडल, लॉक अनलॉक। और ड्राइवर की सीटिंग की बात की जाए तो कुछ इस तरह की नज़र आती है इसकी ड्राइवर सीटिंग, जो कि एक सस्पेंशन पे लेस है दोस्तों। काफ़ी आरामदायक सीट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके पार्किंग ब्रेक्स जो कि एयर प्रेशर वाले हैं। पेडल्स यहाँ पर इसके कंट्रोल मिल जाते हैं, जैसे हेजर्ड के कंट्रोल्स, बैटरी कट ऑफ कंट्रोल्स और इसके फोक लैंप्स के कंट्रोल्स यहाँ पर देख पाएंगे। हेड लाइटिंग कंट्रोल्स और ब्लैक कलर का नज़र आता है पूरा डैशबोर्ड व्यू इसका। 3-स्पोक स्टीयरिंग आपको यहाँ पर मिलता है। टाटा का लोगो सामने आप देख सकते हैं और दोनों तरफ इसके ब्लैक पैनल का इस्तेमाल मिलेगा। गियर ले नॉब, 6 फॉरवर्ड 1 रिवर्स। और यहाँ पर इसके जो दरवाज़ा दिया गया है दोस्तों उसके कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ये मैनुअल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर इसके कंट्रोल्स आपको देखने को मिलेंगे। फैन के कंट्रोल मिल जाते हैं, अंदर जो लाइट दी गई उसके कंट्रोल मिल जाते हैं। ऊपर आपको इसके हेवी लोड के और हेजार्ड के रिजनरेशन के सारे कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। एक 12 वोल्टेज का चार्जर सॉकेट भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। और अब करते हैं की ऑन ऑफ साउंड, देखेंगे इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि एक लग्जरी कार के जैसा फील होता है। नीचे आपको यहाँ पर टेम्परेचर मीटर मिल जाता है और ऊपर आपको आरपीएम मीटर देखने को मिलेगा। इधर आपको फ्यूल गेज देखने को मिलेगा और ऊपर आपको स्पीड मीटर मिलेगा। 140 की स्पीड है लेकिन आपको 80 किलोमीटर पर स्पीड लिमिट यहाँ पर मिलती है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार। यहाँ पर आपको फ्रंट का बार प्रेशर मिल जाता है और रेयर का भी मिल जाता है, दोनों के प्रेशर बार दिए गए हैं। इधर आपको यहाँ पर इसके AW का दिया गया है। न्यूट्रल पोजिशन में खड़ी है दोस्तों गाड़ी अभी। सेट अप डाउन मोड 3-4 मोड आपको इसमें मिलते हैं और भी कई सारे वॉर्निंग लैंप्स आपको इसमें देखने को मिलेगी। और अब लेते हैं इसके पैसेंजर साइड की तरफ से एंट्री। यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं और एक दरवाज़ा मिलता है दोस्तों जो इलेक्ट्रिक दरवाज़ा है जो कि ड्राइवर इसके कंट्रोल से इसे खोलता और बंद करता है। एंट्री ले लेते हैं यहाँ से आसानी से आप यहाँ पर। और कुछ इस तरीके मिलती है इसकी सीटिंग। सीटिंग की यहाँ पर बात की जाए तो दोस्तों 51 सीटर आती हैं, 51+D ये सीटिंग के बटे आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। 3x3 की इधर मिलती है और 2x2 की इधर मिलती है। और पीछे से देखने पर इस तरह का व्यू आता है फ्रंट का इसका। और एक यहाँ पर हम देख सकते हैं सेफ्टी दी गई है पैसेंजर्स के लिए। ये इसका FDSS सेंसर मिल जाता है। यहाँ पर आपको छोटा सा ग्लोव बॉक्स देखने को मिलेगा। फिन मिल जाता है और यहाँ पर AC सिस्टम दिया गया है ड्राइवर के लिए। इधर आपको यहाँ पर को पैसेंजर के लिए मिलता है ये छोटे मोटे ग्लोव बॉक्स हैं जिसमें ड्राइवर अपने छोटे मोटे सामान यहाँ पर रख सकता है। ये वेंट्स हैं यहाँ पर। और इसके साथ सेफ्टी की बात की जाए तो ऊपर आपको एक और इमरजेंसी एग्जिट मिलता है। सेफ्टी तो कंपनी ने यहाँ पर भर भर के दी है दोस्तों। दोस्तों 51 सीटर हैं तो हर सीट के नीचे आपको यहाँ पर एक चार्जर पॉइंट मिलता है। ये देख सकते हैं 5 वोल्ट का USB पोर्ट चार्ज मिलता है जिसमें 2 कनेक्टर मिलते हैं हर सीट पे आपको ये देखने को मिलेंगे। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर लेग रूम का स्पेस मिलता है और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा मिलता है। ये मिलती है हेडरेस्ट इसकी, इसमें पैसेंजर अपना सारा सामान यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों। और हर सीट्स पर आपको उस तरह की AC वेंट्स मिलेंगे। काफ़ी अच्छी लग्जीरियस यहाँ पर बस बनाई गई हैं ये टाटा की। और हर सीट्स पे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हेल्प बटन दिया गया है और यहाँ कुछ तरह के पटक पकड़ने के लिए यहाँ पर आपको मजबूत हैंडल्स मिल जाते हैं ताकि कोई पैसेंजर खड़ा भी उन्हें पकड़ सकें। और पीछे आपको यहाँ पर एक सीट बेल्ट भी देखने को मिलेगा। और कुछ इस तरह नज़र आता है पीछे का व्यू। पीछे भी आपको यहाँ पर एक इमरजेंसी एग्जिट मिल जाता है। और
एलईडी आपको यहाँ पर लाइट्स मिलने वाली हैं सारी, और हर सीट्स के पीछे कुछ तरह के हैंडल्स बार मिलते हैं, और एक बोटल होल्डर स्पेस मिलता है, और कुछ तरह का कोई छोटा मोटा सामान अपनी मैगजीन वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाती है। स्पेस ही स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। और ड्राइवर यहाँ से कुछ तरह से इसका दरवाज़ा ओपन कर सकता है और बंद कर सकता है दोस्तों। और यहाँ पर को पैसेंजर की सीट के जस्ट नीचे ही इसका जैक रोड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और एक इमरजेंसी फायर एग्जिस्टिंग टैंक भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में, तो आपको यहाँ पर मिलता है 3LNG DIER BS6 डीजल इंजन जो 134 HP की पावर व 360 NM का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है दोस्तों। और इसके साथ बात कर लेते हैं गियरबॉक्स की, तो GBS 550 विथ OD गियरबॉक्स सिस्टम मिलता है, वो भी 6 स्पीड फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियरबॉक्स के साथ में। हाँ तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये न्यू टाटा स्टार बस अल्ट्रा 51 सीटर SC स्टार बस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर माई ऑल फ्रेंड्स।